सर उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप उसको पहनते ही रहो, उसमें एकदम एक पहन नंबर लिया लगते हो मुन्ना भाई आप। बस दशहरे के करीब ना पहने, दशहरे नहीं, रोज पहनना चाहिए ना, मोमिन खौफ में आएंगे। अरे अरे पब्लिक उठा के ले जाके फूंक देगी पटाखे पटाखे फिट करके क्या यार गालिब भाई, मैं खुद मौत का फरिश्ता हूँ यार। हाँ, तुमको मौत का फरिश्ता रावण विवन बोल के नहीं जलाना अच्छा है। एक मिनट आप मौत के फरिश्ते हो? अरे कहाँ, आप मेरे को लोगे तुम? वो जो गालिब भाई का नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है, इस वजह से, नहीं तो अभी मुन्ना भाई आपको ले लिए थे। तो ना अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ठीक है, उसमें हम जो सुबह से लेके शाम तक जिस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखते हैं हम मोमिनों ने कौन सी चीजों का इन्वेंशन किया है, ठीक है, अरे और यार क्या उसमें हो से गया आवाज? कितनी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है और हलाल है। चलो, सुबह सुबह उठते ही इंसान सबसे पहले क्या करता है? सब अलग अलग काम करते हैं, मैं ब्रश करने की बात कर रहा हूं। आप भैसू, हाँ ब्रश मैं ब्रश ये बोल करने रहा के था लिए कि वो जो मूसा ने लात घूंसे बजा, मैं ये बोल रहा था मूसा ने जो लात घूंसे बजा के आँख फोड़ी थी, मुन्ना भाई आप भी थे क्या? हेलो मैं बोला बच गया मैं। अरे हाँ अरे अल्लाह ने भेजा फरिश्ते को, मौत के फरिश्ते को, कि जाके मूसा की रूह निकाल ला। वो गया रूह निकालने, मूसा ने पूछा कौन है बे तू? उसने बोला मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुम्हारी रूह निकालने आया हूँ। मूसा ने तुरंत जड़े थप्पड़ दी, लत्ती फोड़ दी आँख और गाली वाली जगह भगा दिया उसे। फिर वो भागता वो आया अल्लाह के पास, अजी आपने मुझे किसके पास भेज दिया, तो मरने को तैयारी नहीं है, उसने तो मेरा ये हाल बना दिया। तो अल्लाह मियाँ भेजते हैं कि अच्छा उन्हें पता नहीं रहा होगा ऐसा है कि आप दोबारा उनके पास जाओ। फिर वो बंदा दोबारा डरते हिलते डुलते कांपते जाता मूसा के पास। इसकी हदीस पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, कभी पेश करूंगा देखना मजेदार है। नहीं अच्छा भाई है, ये हदीस है, मैंने भी सुना हूं पहले। अरे अच्छा, उस टाइम में इसमें मैंने ही बोला था एक जो आप हाँ ये घोड़े गधे से एक तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई गधा नहीं खा सकते, लेकिन उसमें कंडीशन है कि पालतू गधा ना खाओ। अगर कोई जंगली गधा है तो आप खा सकते हो, लेकिन आप घोड़े का गोश्त खा सकते हो। और इस पर पाबंदी कब लगाई गई उसका कोई अता पता ही नहीं है। ये आपको सामने तफसीर इब्ने कतिर दिख रही है, ये क्या कहती है गालिब भाई? बट ही अलाउड अस टू ईट द मीट ऑफ हॉर्स, कि जब खैबर के मौके पर, ऑन द डे ऑफ खैबर, वी स्लॉटर्ड हॉर्स म्यूल्स एंड डोंकी, हमने घोड़े गधे और खच्चर काटे। सो मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉरबेड अस फ्रॉम ईटिंग द म्यूल्स एंड डोंकी, मतलब खच्चर का और गधे का गोश्त खाना मना बोल दिया। बट ही डिड नॉट फॉरबिड अस फ्रॉम ईटिंग द हॉर्स, लेकिन घोड़े का गोश्त खाने की मनाही नहीं की। लो, शाबाश। ये अब एक अरे चीज भाई समझ में नहीं आती कि हाँ, ये चलो अगर बाद में घोड़े का गोश्त भी खाना हराम कर दिया, मकरू है घोड़ा तो आप जानते ही हैं, लेकिन रसूल अल्लाह का लॉजिक क्या था इसके पीछे कि खच्चर और गधा मत खाओ, घोड़ा खा सकते हो? और पहले उन्होंने खुद गधा खाया भी था, उसके बाद बंद करवा दिया, हराम करवा दिया, उसके बाद गधा भी हराम, खच्चर भी हराम, घोड़ा हलाल करवा दिया। ये मतलब बंदे के दिमाग में चलता गया था। मैं गालिब भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ। भाई, मैंने एक परसों एक वीडियो देखी है, उसमें एक मौलाना ने बोला है गधा हराम नहीं है, गधा हलाल है खाने में। मकरू मकरू बोलते हैं यस कुछ। जबरदस्त। हाँ, अरे ये
अरे मुन्ना भाई, ये अभी थोड़ा दिन पहले तेलंगाना का केस भी तो आया था, गधे गधे खाने की ये जो मोमिनों का ये है वो बहुत बढ़ गया है तेलंगाना में। महाराष्ट्र से गधे और खच्चरों को ये किया जा रहा है, खच्चर नहीं हालांकि सिर्फ गधों को ही ये किया जा रहा है, क्या बोलते हैं तस्करी। अभी अभी मैं तुम्हें आपको बताऊं कि अभी मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में जो जो चीजें खाना अलाउड है, अगर ये खाने लग जाए ना तो यकीन मानिए या तो चाइनीज लोगों से थोड़ा कम रह जाएंगे या शायद उनको भी क्रॉस कर दें। अभी देखिए ये टिड्डियां हो गई और ये समुद्री जानवर जो हो गए, उसमें मेरे ख्याल से मेंढक को छोड़ के कछुआ, समुद्री सांप और भी कीड़े मकोड़े सब खा सकते हो। मुर्तद भी खा सकते अरे हैं गाली भाई, मुर्तद भी खा सकते हैं। मुर्तद तो फेवरेट है, वो तो फेवरेट डिश हो जाएगी भाई। अच्छा चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं आज, अगर कोई मोमिन भाई हो तो आप लीजिएगा मन्ना भाई, कि ऐसी क्या नफरत थी हुजूर को यहूदियों से, खासकर यहूदियों से और ईसाइयों से। तो एक हदीस है, मैं आपके सामने वो हदीस पेश कर देता हूँ जिसमें हुजूर ने यहूदी और ईसाइयों से दुआ सलाम करने से भी मना फरमाया है। कुछ भी हो जाए साला दुआ सलाम नहीं करने का। ये आपके सामने हदीस है, ये सही अल मुस्लिम की हदीस है, ये अबू हुरैरा से रिवायत है। डू नॉट ग्रीट द ज्यूस एंड क्रिश्चियन बिफोर दे ग्रीट यू, मतलब कि आप आगे से दुआ सलाम मत करो यहूदी और ईसाइयों को। एंड वेन यू मीट एनी वन ऑफ देम ऑन द रोड, फोर्स हिम टू गो टू द नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ इट। अगर आपको वो रास्ते में मिल जाए तो आपको उन्हें फोर्स करना है कि आप ऐसी जगह से निकले जहां पर निकलने का रास्ता कम हो या फिर हमसे दूर हो जाए। तो ना तो दुआ सलाम करना है, और रास्ते में टकराए तो फोर्स करना है कि हमसे दूर हटके चलो। ये थी हुजूर की मोहब्बत, क्या कहेंगे? वही बोल रहा हूँ ना, इसके हिसाब से ही फेसबुक ये सब यूज करना गलत बात है ना भाई। यार जब दुआ ये सलाम करना हराम है तो ये हाँ, फिर तो आप फिर बिजनेस तुम कैसे कर सकते हो उनके साथ? ये उनके तो साथ यार देखें, बिजनेस आप नहीं कर फेसबुक सकते का हो। इस्तेमाल करें। हाँ मुन्ना भाई, फेसबुक का, यूट्यूब का, गूगल का इस्तेमाल करके आप इनकम जनरेट करते हो। फर्ज करें हमारे जितने भी आलिम हैं यूट्यूब पर वीडियो डाल के इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से जरिया तो ईसाई है, यहूदी है। तो जब दुआ सलाम को मना कर दिया तो आप उनके साथ बिजनेस कैसे कर सकते हो? क्या कहोगे गालिब भाई? हेलो यार, गालिब मुझे भाई लगता किधर है है लगता बीच है? बीच में, हाँ बीच बीच में गालिब भाई, मसूद भाई मैच भी देख रहे हैं। अरे मैच अब तक चालू दो नहीं हुई है जुमला भाई, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। वो अरे गधे वाला जो ये है, क्या बोलते हैं, गधे वाला जो किस्सा है वो तुमको निकाल के बता रहा था, बताने वाला हूँ इसके बाद अच्छा में। भाई कितना रुपए किलो मिल रहा है मालूम है आपको? गधे का गोश्त 600 रुपया किलो कहाँ तेलंगाना पर में है। 600 रुपए किलो, गधे का गोश्त 600 रुपया किलो, मैं वही पढ़ रहा इतना था। महंगा भाई 600 रुपए किलो? यार ये तो बहुत महंगा है भाई, इतना मैं कौन तो खाएगा? इससे अच्छा ये 1 किलो घी गधा लेके आ जाएं 600 रुपए का। गधा गधा जो है वो, अरे तुमको मालूम है एक एक मोमिन ने क्या बोला? एक मोमिन ने बोला गधे गधे का अगर ये खाएंगे ना तो अपना मतलब गधे के जैसी ताकत हो जाएगी, समझे क्या? ओ गधे इसके लिए गधा की जैसी खा रहा ताकत हो उसने ये जाएगी। बोला। अरे और वो भी नहीं बड़ा हो जाएगा बोलता गधे के। अच्छा अरे भाई वो भाई उनके लिए, कॉलर है, कॉलर लोग को ले लेते, फिर स्ट्रीम बंद कर देते भाई 8 बजे तक, ठीक है ना? ठीक है हाँ ओके भाई ओके। हाँ अभी हाँ कौन है? हाँ बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल मुन्ना भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई चले ये आप स्क्रीन हटा दें जी, आज के टॉपिक पे हाँ बात हटा करते दिया। हैं पहले। हेलो मुस्लिम भाई, आप मोमिन हो? मुस्लिम भाई आप हाँ लाइव हो? अभी पढ़ ही रहे हैं वैसे। जी मोमिन मोमिन हो आप?
अभी पढ़ ही रहे हैं वैसे, इस्लाम पूरे तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ अभी तो है। बिना जाने आप मोमिन बन गए मेरे। अरे भाई घर पे सब फॉलो करते हैं तो अधिकतर लोग बिना, हमारा मामला हाँ अधिकतर लोग बिना जाने ही मोमिन है भाई। अभी सब लोग अगर जान जाए ना तो एकदम समझ लो ये बीच का मामला हट जाएगा, या तो बंदा कट्टर मोमिन रहेगा या तो फिर छोड़ ही देगा अगर सब जान जाए तो। बोलिए भाई क्या बोलोगे। अच्छा भाई ये बताओ, हेलो बोलिए 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 बोलिए। अरे भाई तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, इसकी क्या दलील है? सवाल अच्छा था भाई, जो जवाब सवाल है वो सवाल पे, जो सवाल है वो सवाल पे बात करिए भाई। क्या है सवाल? सवाल ये है कि जब यहूदियों को दुश्मन मानते हो, ईसाइयों को दुश्मन मानते हो, तो भाई उनकी चीजें इस्तेमाल करने का क्या मतलब बनता है? नहीं तो दुश्मन इस सेंस में थोड़ी ना माना जा रहा है भाई, जब अगर कोई चीज प्रॉफिटेबल है तो क्यों नहीं यूज की जाएगी, सबके लिए है वो। हाँ दुश्मन है क्यों नहीं, अरे मतलब ये थोड़ी ना हर चीज बंद कर देंगे, पानी तो वो भी पी रहा है हम भी पी रहा है, उसमें क्या दिक्कत था? अच्छा अभी मैं आपको दुश्मन अगर मानू, अगर मैं आपको दुश्मन मानू तो क्या मैं आपके घर की चीज यूज कर सकता हूँ? अरे भाई ऐसे तो नबी ने भी तो यूज किया है ना, उनके घर में जो तेल आता था चिराग के लिए वो भी तो आखिरी दिनों में उनके यहूदियों के घर से ही आया था, वो तो उनका रिश्तेदार था और गिफ्ट भी आया भी तो तब तभी तो नहीं तो यही तो मसला है मियां कि हाँ यही तो मसला है कि सवाल सुनिए, यही तो मसला है कि सवाल ईमान वालों से भी है और ईमान वालों के हुजूर से भी है, ताकि जब उन्हें दुश्मन मान रहे उतनी बुरी तरीके से, यहाँ तक कितना तो तुमने बोल दिया कयामत तक नहीं सारे थोड़ी ना। अरे सर जी नहीं नहीं अच्छा ये बताइए जब कयामत आने को होगी, कयामत आने को होगी अगर एक भी यहूदी बच्चा रह गया तो कयामत आ पाएगी? नहीं भाई वो उनका मामला जीसस क्राइस्ट के साथ सेट है। अरे वो नहीं बोलते भाई, वो भाई क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं बोलते ना, वो छोड़ो क्रिश्चियंस भी बोलते हैं जीसस, वो उनको निपटना है जीसस क्राइस्ट से क्योंकि वो जीसस के लिए जीसस उनके अंदर आए थे, अब उन्होंने उनको नकारा तो उनका मामला भी जीसस ही करेंगे। अरे लेकिन यहाँ तो ईमान वाली बात है, हदीसों में जो दर्ज है कि कयामत जब आनी होगी तो ईमान वालों की लड़ाइयां होंगी यहूदियों से, और जब कोई आखिरी यहूदी बचेगा और वो छुपेगा पेड़ पत्थर के पीछे तो वो आवाज देंगे कि ईमान वालों इधर आओ, एक यहूदी इधर छुप रहा है। तो वही बोल रहा हूँ ना, जब इतनी बुरी तरीके से दुश्मनी है कि उनसे लड़े बगैर मारे मरे बगैर तो कयामत तक नहीं आ सकती, तो अब आप और क्या बोलना चाह रहे हो? सारे यहूदियों के लिए थोड़ी ना, ये सिर्फ उन यहूदियों के लिए। एक सेकंड, आपने कहा ये सारे यहूदियों के लिए नहीं है, सही बात है? हाँ तो अगर मैं आपको बताऊं कि उमर अल खत्ताब ने कसम खाई थी कि जब तक पूरे जजीरा अरब से यहूदी और ईसाइयों को साफ नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, उसका क्या दलील देंगे आप? उसमें भी उन यहूदियों की बात करी जा रही थी जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पूरे सुने अरे छोड़े यार, पूरे का मतलब ऐसा कम्युनिटी हो लिया जाता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन वो उस वक्त के जो यहूदी थे वो तो टपक गए ना भाई सर, अभी अभी तुम लोग क्यों दुश्मनी पाल रहे हो फिर उनसे? फिलिस्तीन में जो हंगामा मचाए हैं वो तो दुश्मनी नहीं पालेंगे तो बिरयानी खिलाएंगे क्या? अरे तो फलस्तीन में क्यों मचा है, मोहम्मद साहब ने जो करके गए स्टार्टिंग में उसके वजह से अब तक बचा है ना ये सब हो रहा है। अगर मोहम्मद साहब पहले यहूदियों को नहीं मारते है नहीं मारते तो आज ये नहीं होता था। उससे पहले नहीं मारा ईसाइयों ने, नहीं मारा था क्या? ईसाइयों ने सबसे पहले उनकी गत लगाना शुरू की थी।
नहीं, पहले पहले मुन्ना भाई ये हदीस पेश करें, मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है। हदीस पेश ना करो, तुम बात सीधी सी बताओ। नहीं क्यों ना करें यार, आपने ये बात झूठ बांधी है। आपने झूठ बोला है कि हर हर एक यहूदी के लिए नहीं था। अब ये हदीस देखें, हदीस क्या कह रही है, चुप करके सुने ना यार थोड़ा। उमर बिन अल खत्ताब इन्फॉर्म मी दैट आई हियर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड आई विल एक्सपेल द ज्यूज एंड क्रिश्चियन फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, कि यहूदी और ईसाइयों को यहाँ से निकाल दूंगा जजराए अरब से, एंड आई विल नॉट लीव एनीवन इन इट एक्सेप्ट एट मुस्लिम।